जदयू की सदस्यता ग्रहण करते ही अशफाक करीम ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी नहीं मिली और लालू प्रसाद यादव से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारे बात को नहीं माना। उसके बाद हमने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और अशफाक करीम ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है और हमारी कोशिश होगी कि अल्पसंख्यकों को 90% वोट अब जनता जदयू को मिलेगा और हमारी कोशिश होगी कि जनता दल यूनाइटेड अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाए। मेरी बात को हल्के में लिया, इस पर हमने का काम नहीं किया, तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18 फीसदी और सवाल ये पैदा होता है लोगों के जहन में एक बात आ गई है, ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है, ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रेजिग्नेशन थे, दूसरा हमारे हम सबों के इस फैसले थे कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ और इस पार्टी के साथ जेडीयू के साथ ये जुआनी हो रही है उससे वो बहुत खुश है। खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर अकलियतों के धरोहर खानखा हो हमारा शरिया हो या अलग अलग खानखा हो जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफ़ी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया जो मुसलमानों की पहचान है, साथ साथ अलकरीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया जो अकलियत की यूनिवर्सिटी है जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी,